अब चाहिँ माछा किन्दैछु सिलगढीमा हो, फ्राई गरेर खानु। किन रुपियाँ केजी? 200 रुपियाँ किलो। महँगा हो गया बहुत। महँगा 60 रुपियाँ। वो भैया भी लेगा बोल रहा है। वो भैया भी काम करने में शरम नहीं, शरम नहीं है काम करने में। ये क्यों नहीं दिया? वही देगा। ये तो इतना कैसे लेगा? हम इतना मछली दे रहा है। एक किलो लेगा, 200 में देगा बोलेगा ना। 200 में एक किलो ये मिला के ले लो। निकल लिए ना, और ये वाला निकालो ना, बड़ा बढ़िया है। बढ़िया बड़ा बड़ा वाला। हेलो। और फिर इतना बड़ा डाल दिया। अरे बड़ा भाई हो जाए। नहीं हमको वो वाला चाहिए, छोटा वाला। अरे ये तू पिछलो भैया, ये तो जबरदस्ती करता है आंटी। तो कल आकर आपको बोलना, कल बोलना क्या बुला दिया है। और कम पड़ रहा है ना, एक बकरे का कम उठाइए तो। उठाइए कम देगा, कम देगा। कितना साल हो गया आंटी मछली व्यापार हमको? हाँ बहुत साल हो गया। फायदा हो गया? हाँ बहुत फायदा, बहुत होता है बेटा। घर हो गया बेटा, एक किलो ही चाहिए मुझे। आप मुझे नहीं, आप मुझे क्यों बड़ा दिया? लो हम देता, छोटे छोटा नहीं होता पूरा। हमको घाटी पकड़ा जाता तरीका, भाई हम किसको बेमानी नहीं करेगा। आप ही करो तुम्हारे दे दीजिए, थोड़ा कम है चलेगा। एक किलो का पैसा दे देंगे हम। कभी गलती सोचना नहीं, वो काला कर ले लेना। नहीं नहीं वैसे नहीं नहीं बेटा, कल एक पीस ले लेगा। नहीं 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 छोड़ दीजिए। कितना बजे तक करेगा ये काम? हो गया बेला। हो गया? हाँ बेला हो गया। घर किधर है? लिंबू बस्ती। लिंबू बस्ती? हाँ बेटा। अच्छा, कौन कौन रहता है घर में? लड़का है, बहू है, सब है। अब कितना उम्र हो गया? 60-70 हो गया। 60-70? हाँ। और भी मछली बेचता है? कितना साल से? 10 साल मछली? हाँ मछली तो बहुत दिन रह गया। कितना साल हो गया मछली? तो 40 साल रह गया। 40 साल से कर रहा है, चेक पोस्ट है। फायदा तो बहुत होगा। हाँ मंडी से उठाता है? हाँ हाँ उठाता है, कैसा माल बदल सकता है। ठीक है, थोड़ा कम होगा तो चलेगा। नहीं बेटा वो दिन आए पूरा ले लेना एक पीस। और ये देखिए, ये वीडियो सब लोग देखते हैं ना, तो आपको पूरा यहाँ मछली खरीदने आता है। अभी सस्ते में देगा ना? हाँ। तो फिर दिन में कितना केजी बिक्री कर रहा है? हम एक के बेला 4 बजे से। 4 बजे से? हाँ। कितना बजे तक? 8 बजे 9 बजे तक। कितना केजी? बेसी नहीं लेता, 5 किलो 6 किलो लेता बेटा। बस 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 बस, क्या करेगा बुरी लोग। ज्यादा नहीं कमाएगा? नहीं 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 नहीं। क्यों? GST भरना पड़ेगा? आगे आगे बहुत कमाया। आगे कमाया या क्या कमाया? कमाया बहुत। बहुत कमाया। दिन में क्या करते हैं? दिन में क्या करते हैं? नहीं कुछ नहीं, घर में। घर में? हाँ हमको कोई काम नहीं है। तो फिर क्यों मछली बेच रहे? बैठा बैठा क्या करेगा घर में? चला के तो आप। अरे आदमी का नहीं अच्छा से है, थोड़ा व्यवहार करके रखना होता बेटा। वो तो सही है, बुरी हो क्या हो, व्यवहार रखो होता। काम तो करना पड़ेगा ना? काम तो करना ही पड़ेगा, अभी तो काम करने वाला है ना। बाद में तो नहीं करने सके। चाचा नहीं है? नहीं। किधर गया? किधर गया? गुजर गया, ऊपर गया। हाँ ऊपर मछली बेच रहा होगा? नहीं नहीं नहीं, वो सरकारी करता था। ओ क्या काम? सरकार रानीपुर वाला। रानीपुर? रानीपुर लाइफ स्टाफ। अच्छा सिक्किम रानीपुर? हाँ सिक्किम में। हाँ नहीं गुजरात अहमदाबाद राजस्थान, वो साथी ले लिया ना प्रोजेक्ट हुए जल विभाग का। आपका कहाँ है? मायका कहाँ है? मायका गुजरात। हाँ आपका? नहीं हम इधर। इधर क्या है? अपना घर बंगाली है। हाँ अपना, हाँ अपना बारी। आप बंगाली? नहीं बिहारी। बिहारी?
एक बिहारी सब पर भारी। एक बिहारी सब पर भारी। इस दुकान का किराया कितना है? इसका कितना देना पड़ा? 500 रुपया महीना। 500 रुपया। ये दूसरे लोग भी लगाता है दिन में? हाँ। दूसरे लोग नहीं, किसी को नहीं लेते? सब अपना अपना दुकान है। अपना अपना सब का है। अच्छा, नया आदमी कोई आ गया दुकान लगाने उसको नहीं मिलता? नहीं 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 मिलता। नहीं मिलता। और इस मार्केट का नाम? हाँ? ये जगह मार्केट दुकान का ये मार्केट का नाम है बंगला बाजार। बंगला बाजार। बंगला बाजार थाना भक्ति नगर थाना। हाँ, उसका पीछे। हाँ, 2 माइल चेक पोस्ट। हाँ, सामने है। क्या क्या मिलता है इधर? क्या क्या मिलता है? सब चीज। सब? हाँ, सब चीज। मासु खसी? हाँ, जो भी खोजेगा सब चीज। दारू? हाँ। आप पीता है? है, बहुत दारू मिलता है। आप दारू पीता है? ए? नहीं पीता है। कैसे काहे पिएगा? बिहारी नहीं खाता होगा। बिहारी नहीं खाता है? नहीं। ना कभी कभार खाया होगा? ना भैया, इस उम्र में तो थोड़ा थोड़ा लेता है ना। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं आज तक नहीं किया। कभी नहीं छुआ, विश्वकर्मा बात छुआ। हमारा ऊपर तो पीता है तो। ना 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 ना, ऐसे उम्र में पीता है? नहीं 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 नहीं, गलत। ज्यादा नहीं, इतना पीता है? गलत, वो सोचना गलत। सदी भाई, रोटी खाओ। आज उसे मो गोड़ेला किन्दो से सिलगुड़ी में ये गोड़ेला गड़ेला गड़ेला इसको बोलता है। गड़ेला 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 बोलिए तो। गड़ेला। हाँ, गड़ेला क्या है जानते है? नहीं, नहीं जानते है। इतना छोटा सा मछली होता है हमारा पहाड़ में। हाँ। उसको गड़ेला बोलता है। हम लोग बाटा बोलते हैं। बाटा? ये कहाँ बाटा है, ये तो लाटा है। हमको लाटा दे रहा है आप बाटा बोल के आप तो हमको बाटा बोल के लाटा दे रहे हैं। हम लोग ना काम डेली करते हैं। डेली? हाँ डेली। ओरिजिनल बाटा लेने से अच्छा होगा ना? हाँ हाँ ना, मिल जाएगा ओरिजिनल। कितना रुपये किलो पड़ेगा? 250। 250 रुपये? वो 230 किलो है। ठीक है ठीक है, 230 20 40। हाँ, ओरिजिनल वाला ना। हाँ ठीक। अच्छे से काट दीजिए। हाँ, सब सब हम लोग। हाँ, बोला तो फिर आना तो बोल ना। हम लोग को मछली काटना नहीं आता है, सिर्फ खाना आता है। अच्छा। हम लोग को ऐसा सफा करना नहीं आता है, खाना आता है। अच्छा। खाने के लिए आप जितना भी मछली रख देगा ना, हम सब खा देंगे। आप कितना खाएगा? नहीं, हम लोग बेसी नहीं खाता मछली। कितना पीस? एक दो पीस सिर्फ। और इधर बोल दीजिए, मछली में कौन कौन सा मसाला लगेगा? बोलिए, बोल दीजिए तो आंटी। मसाला कौन कौन सा लगेगा? सब मसाला दीजिए, लहसुन दीजिए, प्याज दीजिए, गोटा दीजिए, हल्दी हल्दी दीजिए, मिर्चा दीजिए। ये सिलबट्टा में पीस के? हाँ, लंका काट के दे दो हरा हो गया। अच्छा अच्छा, बंगाली लोग ज्यादा तीखा खाता है। हरा देखा ना, कलम के चाहता है। खुर्सानी? हाँ, लंका बोलता है। हाँ, लंका बोलता है। एक किलो मछली में कितना प्याज देना पड़ेगा? एक सौ देगा। ये उठा? एक नहीं, दूटा देना। दूटा लहसुन? लहसुन उठा। और ये जीरा? जीरा भी दो। हाँ, ज़्यादा क्या देना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा सब मसाला एक रकम। हाँ, ज़्यादा कमी नहीं, एक रकम देना होता है। आप खसी खाता है? हम नहीं खाता खसी। खसी? खसी नहीं खाता। नहीं। क्या क्या खाता है आप लोग? वही थाली मनी मछली आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं। इनके बन्नु बा मलाई छोड़ ऊपर ओपन नेपाली ना को चाहिए लंबो बस्ती में पूरा ही नेपाली छ। के भयो यो? नेपाली छ। यो यो कस्तो भयो? बंगाली बिहारी सब पहिला छ। छिटो भयो? हां, सब पहिला छ। हैन कटिंग हो? कटिंग छिटो भयो। ल, धन्यवाद। ल, मागुर नहीं खाएगा है चाची? मागुर खाएगा? मागुर पैसा तो बोरा का नीचे रख दिया तो। अल्लाह बेटा, चोरी लगेगा? अल्लाह बेटा। कितना उम्र हो गया? 60-70 बरस। ये लीजिए,
मेरा तरफ से चाय पीने का, फिर मिलेंगे। हाँ, आना, जरूर आना। इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं ना, इसलिए हमको खुश लगा। हाँ, पूरा ही खुश लगा। बढ़िया, अच्छा अच्छा साहब। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आना आना। बाय 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 तो कीजिए इधर यहाँ। अच्छा साथी भाई, मैले अस्ति हजुरहरूलाई भनेको थिएँ होइन, मलाई जहिले पनि मेरो एभ्री भ्लगमा भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, म चाहिँ सिलगढीबाट दा भनेर जहिले पनि मसँग भेट्नुको लागि उहाँले कमेन्ट गरिरहनुहुन्थ्यो र फाइनली आज चाहिँ मैले भेटिसकेको छु हाम्रो राजेश भाइ हो। अन्त म एउटा दोकानमा थिएँ होइन, त्यति बेला टक्कै उहाँ आउनुभएर चाहिँ दा मै हो राजेश भाइ भनेर म पनि सरप्राइज भइदिएँ क्या। होइन म त एकछिन बोलौँ कि नबोलौँ, चिन्छ कि चिन्दैन, फेरि सोचेँ रब्रो त हो भनेर मैले एकदम फ्रेङ्कली बोलिदिइहालेको। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो बिग फ्यान हो, म चाहिँ उहाँको बिग फ्यान भएँ। बिग फ्यान चाहिँ कसरी भयो भनेर भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूलाई, उहाँकोमा चाहिँ यस्तो खालको कला अनि काम छ है जसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु होइन। उहाँको काम चाहिँ यो हो, उहाँकोमा चाहिँ अब मदको एउटा काम छ क्या, जस चाहिँ अब हामी सबैले चाहिने कुरो हो होइन, मैले पनि गरेकै हो है। कुन चाहिँ यो छ जुन उहाँ चाहिँ ट्याटो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन, र उहाँकोमा चाहिँ दामी दामी ट्याटोहरू छ हेर्नु, यो सब उहाँको हातले गर्नुभएको हो, यो सबै उहाँको हातले गर्नुभएको हो है, धेरै छ। दामी दामी ट्याटोहरू छ साथीभाइ, र उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो होइन दा म तपाईँको ट्याटो पनि रिपेयरिङ गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो, तर अब अहिले चाहिँ समय नभएकोले गर्दा पक्कै एक दिन आउनेछु होइन, र उहाँलाई पनि म एक दिन मेरोमा अवश्य आउने आउनुहुन्छ उहाँ, मैले भनिरहेको छु होइन, माथि नै बस्ने गरेर होइन, र एकदमै खुसी लाग्यो आज चाहिँ भेटेर उहाँलाई। र उहाँको दोकान चाहिँ अहिले कहाँनिर छ? अहिले मेरो इस्कन रोडदेखिको सिधै इक्यासल बजार, इक्यासल बजार आएर रोस्टर ट्विन राजेशको घर कहाँ हो भन्दाखेरि सबले देखाइदिन्छ, सबले चिन्यो हामी। अनि तपाईँको स्टुडियोलाई चाहिँ के भनेर चिन्छ? रोस्टर ट्विन अथवा राजेश भाइको घर कहाँ हो भनेर सबले देखाइदिनुहुन्छ, म घरकै अगाडि खोलेको रहेछु स्टुडियो। एकदम अब तपाईँले धेरैजनाको पनि मेकअप गरिदिनु भएको छ होइन, मलाई धेरै साथीहरूले पनि भन्यो है, र तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिइराख्नुहोस् न। ल, मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर अहिले म तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँ उयो अहिले ल दिनुहोस् न त। ओके, अनि उहाँको फ्यामिली सबैजनालाई मेरोबाट नमस्कार होइन, हजुरहरू सबै फ्यामिलीले हेर्नु हुँदो रहेछ भ्लग, अनि फ्यामिलीलाई नै इन्भाइट गरिरहेको छु मैले चाहिँ घरमा होइन, टाइम मिलाएर एक दिन चाहिँ आउनै पर्ने भयो। अवश्य आउँछु दा, अवश्य आउँछु, हामीले त एकदम प्लान स्लान गरिरहेको थियौँ, म तपाईँलाई अस्ति पनि उयो गरेको थिएँ, कमेन्ट गरेको थिएँ दा सिलगढी आउनुभयो भेट्नु भएन भनेर, ठिकै फेरि अब भगवान्ले मिलाइदिँदो रहेछ, ठिकै मैले तपाईँलाई देखेँ चिनि पनि हालेँ, त्यही भएर मैले बोले पनि होइन, तपाईँको सबै कुरो मनपर्छ मलाई, अब तपाईँको बोल्ने स्टाइल अब जे छ त्यही, जे फ्याक्ट छ त्यही देखाउँछ, केही बनावटी छैन, केही उयो छैन होइन, जे हो त्यही त्यही चिज तपाईँको मलाई मनपर्छ, जो रियालिटी छ त्यही, केही बनावटी चाहिँ छैन। अनि त्यही हो, अब हाम्रो धेरै साथीहरू छ होइन, उहाँहरूले त्यो कामहरू गर्नु चाहनुहुन्छ भने उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, उहाँ अब हामी जस्तै एउटा युवा हुनुहुन्छ होइन, लाइफमा केही गर्छु भन्ने उहाँले गरिरहनु भएको छ, सिक्नेलाई पनि सिकाउनु हजुर हजुर है, अनि त्यो बनाउनु छ, अनि त्यो जुन पहिला गरेको हुन्छ त्यसलाई कभर अपहरू गर्नुदेखि टाकटुक उहाँले गरिदिनुहुन्छ है, रब्रोको साथी भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति रब्रोको थ्रुबाट पनि भइहाल्ने कुरो हो। ल हवस् त, अझै एउटा कुरा, हाम्रो रजालाई अब सबैजना सपोर्ट गरौँ, अझै अगाडि लैजाउँ रजाको च्यानललाई होइन, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबैजना गरिदिउँ, रजालाई अझै अगाडि बढाउँ, बस यति भन्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच है, र धेरै अझै साथीहरू हुनुहुन्छ मसँग भेट्न चाहनुहुने है, उहाँहरूसँग पनि म अवश्य भेट्नेछु, अनि मैले
एभ्री भ्लगमा भन्छु मलाई जहाँ भेट्छ त्यहीँ बोल्ने हो, जस्तै उहाँले भेट्यो होइन म त त्यो अरू जस्तो होइन होइन लचाउने सचाउने पनि छुइनँ, कुनै पनि स्टाइलमा हुन्छु हजुर हामी बोल्ने हो बस्ने हो जिन्दगी हो माया बाँड्यो होइन ओके हवस् त आज म पनि खुसी छु उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई पनि खुसी बनाउनेछौँ है फेरि यसरी नेक्स्ट टाइम पनि भेटौँला ओके भाइ भाइ नेक्स्ट टाइम त मेरो ट्याटो गर्दै गरेको हाल्नु एकदम एकदम 100% ल ल